लोकसभा चुनाव 1 जून को है और यह 7 चरणों में होने वाले चुनाव का अंतिम चरण है। बहनों और भाइयों, कुल 57 सीटों पर चुनाव होना है और मैं आज आपके पास आया हूं इसीलिए कि पूरे देश के अंदर अलग अलग चरणों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पूरे देश के अंदर जो लहर है वह 5वें चरण से सुनामी बन चुकी है। हर ओर एक ही आवाज है, हर ओर जनता जनार्दन के द्वारा एक ही नारा लगाया जा रहा है और वह नारा है जो सहजनवा का भी है और गोरखपुर का भी है कि फिर एक बार। थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज गोरखपुर भी और आपकी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे। मेरे साथ बोलेंगे फिर एक बार और अब की बार। देश के अंदर लोग पूछते हैं 400 पार कैसे होगा, तो जनता जनार्दन कहती है, जनता जनार्दन ही जवाब दे देती है। वह कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कितने लोग हैं यहां पे जो अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए गए? ओह, सहजनवा पूरा ही जा चुका है, लेकिन जो बचे होंगे मैं प्रदीप शुक्ला जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद गर्मी थोड़ा ठीक हो जाए तो एक बार सहजनवा विधानसभा को पूरा ही दर्शन करवाने के लिए अयोध्या लेके जाना। आज आपने देखा होगा एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। नई अयोध्या है तो नया गोरखपुर भी है और नया गोरखपुर है तो नया सहजनवा भी है। 4 लेन की सड़कें, ओवरब्रिज, नई नई फैक्ट्रियां, स्टेडियम और आज के दिन पे क्या नहीं है आपके पास। एम्स गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया है। बहनों और भाइयों, जो कुछ भी इस सहजनवा ने मांगा, यहीं बगल में अटल आवासीय विद्यालय है, निराश्रित बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए। एक बार अटल आवासीय विद्यालय में थोड़ा जाकर के देखो क्या सुविधाएं हैं। ऐसे विद्यालय हर ब्लॉक खंड स्तर पर हम लोगों को खोलने हैं जिससे हर बच्चे को हम योग्य बना सकें और वह प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। तो बहनों और भाइयों, मैं यही कह रहा था, अयोध्या एक नई अयोध्या है। ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम साक्षात विराजमान होकर के अपना आशीर्वाद बरसा रहे हों। बहनों और भाइयों, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, यह सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन पुण्य के भागीदार तो आप सब हैं क्योंकि मोदी जी को भी और योगी जी को भी सत्ता आपने सौंपी है कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लोक को बनाने के साथ साथ परलोक को सुधारने का भी एक माध्यम है। आप वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर तब बना था जब हम लोग जवान थे, जब हम अधेड़ थे, हम लोगों के सामने राम मंदिर बना है, हमने राम मंदिर बनाया है, ये भी आप बोल सकते हैं। और बहनों और भाइयों, परलोक में पूर्वजों के पास जब जाना होगा वहां भी कह सकते हैं कि देखिए आपके संकल्पों की पूर्ति करके हम आए हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके आए हैं। 500 वर्षों में देश में एक ही नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लगभग 3.5 लाख हिंदू शहीद हुआ, लेकिन आजादी के पहले तो संभव नहीं था, आजादी के बाद भी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन सब ने राम मंदिर के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, ये नहीं बनने देते थे। और आज बन गया तब भी किस प्रकार की अनलगल प्रलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं राम मंदिर बेकार बना है। कोई व्यक्ति कहता राम मंदिर भारत के अंदर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों,
राम मंदिर नहीं बेकार बना है, इनकी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए राम मंदिर पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। राम तो परमपिता परमेश्वर है, जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वह हमारा किसी काम का नहीं। और यह काम मोदी जी ने कर दिया है रामलला को विराजमान करके, तो स्वाभाविक रूप से पुण्य के हम भागीदार बने। मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की कायाकल्प की है, ये कायाकल्प दुनिया के अंदर भारत का सम्मान, भारत की सुरक्षा को पुख्ता करने का कार्य, विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीबों के लिए भी तमाम योजनाएं, हर गरीब को राशन मिल रहा है, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी सबको प्राप्त है। मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी, तो बहनों और भाइयों 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे उन सबको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार का कार्ड उपलब्ध होगा। मोदी जी ने घोषणा की है 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए हैं, जितने बाकी बचे होंगे इनके भी मकान बनेंगे, कोई भी इनको मकान से वंचित नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या धाम, एक बार फिर से हम सबको त्रेता युग की ओर ले जाने की स्थिति में है। बहनों और भाइयों, आज जब एक और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भारत के विभाजन के लिए, भारत में आपस में बांटने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर इनको अवसर मिलेगा ये भारत के साथ गद्दारी करेंगे, भारत के साथ धोखा करेंगे। वैसे भी ये दो लड़कों की जोड़ी जब भी मिलती है अनर्थ होता है। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, और बहनों और भाइयों आज लोग फिर से अपनी उसी मनसा के साथ आकर के देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। कहते हैं पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब है 3 तलाक की कुप्रथा को, जिसको मोदी जी ने समाप्त किया, उसको फिर से लागू करना चाहते हैं। पर्सनल लॉ लागू होने का मतलब तालिबानी शासन, बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दुपक के रहना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर रही है भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी, किसी शरीयत के कानून से भारत को नहीं चलने देंगे। बहनों और भाइयों, ये लोग कहते हैं हम वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप पे जजिया कर, जजिया कर मध्यकाल में औरंगजेब ने लगाया था। बहनों और भाइयों, औरंगजेब मुगलों का एक क्रूर बादशाह था, इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी, अपने बाप को जेल में बंद करके पानी के लिए, उसे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया था। इसका बाप शाहजहां, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया, वो आज भी इस बात को कहता है, वह इस बात को कहता है, आपको देखना है खुदा वक्त लाइब्रेरी पटना में जाकर के देखिए, वो कहता है कि कमबख्त औरंगजेब, तू जैसा पुत्र किसी को पैदा न हो, तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, तुझसे अच्छे तो ये हिंदू हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जीते जी सम्मान करते हैं,
और मरने के बाद श्राद्ध और पितरों का तर्पण करके उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पे कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं के लिए था कि हिंदू या तो जजिया कर दे और नहीं तो मुसलमान बने। बहनों और भाइयों, ये वरासत टैक्स समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, ये औरंगजेब का जजिया कर है। हमें भारत में फिर से औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। क्या औरंगजेब पैदा होगा क्या? फिर से औरंगजेब को पैदा होने देंगे क्या? वरासत टैक्स देंगे क्या? और इसीलिए हम लोग आए हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमें साजिश पूरी तरह विफल करनी है और इसके लिए आपने मोदी जी को चुना तो सम्मान बढ़ा, सुरक्षा बढ़ी, विकास हुआ, गरीब कल्याणकारी कार्य हुए और साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। मोदी जी हैं आतंकवाद समाप्त, मोदी हैं विकास है, मोदी हैं विरासत है, मोदी जी हैं गरीबों का कल्याण है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब हुआ है आपके एक वोट के कारण। वोट सही जगह गया, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। वोट अगर गलत जगह जाता था तो आतंकी विस्फोट होते थे, सुरक्षा को खतरा होता था। और इसीलिए देश आपका, चुनाव भी आपका, वोट भी आपका और भविष्य भी आपका और फैसला भी आपका। और यही अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। सहजनवा ने हमेशा 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 भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार फिर मैं आया हूं। रवि किशन शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से जितनी सेवा कर सकता है वह सेवा कर रहा है। विधायक आपके यहां पे प्रदीप शुक्ला हैं, बराबर विकास के लिए प्रयास करते हैं, वह भी इसमें आगे बढ़ करके लगातार सहजनवा को एक सर्वोत्तम विधानसभा के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं तो इस बार रवि किशन शुक्ला से कहूंगा, रवि किशन जी से मैं कहूंगा कि इस बार जब फिल्म बनाएंगे तो सत्यव्रत जी को और आरडी सिंह को अपनी फिल्म में जरूर ले लेना। सत्यव्रत जी तो ऐसे लगेंगे जैसे 20-25 साल का कोई नौजवान है, देखो आज भी एकदम जवान लगते हैं। सत्यव्रत जी थोड़ा खड़े होके दिखाइए भाई, खड़े हो जाइए, लोग देखने तो आपको देखे, अभी सिर पे सारे बाल हैं। देखो अश्वनी जी बुजुर्ग लग रहे हैं, अश्वनी त्रिपाठी बुजुर्ग लग रहे हैं, सारे बाल उखड़ गए। लेकिन ये है, और इस बार फिल्मों में इनके साथ इसमें नायक सत्यव्रत त्रिपाठी होंगे और रवि किशन खलनायक होंगे उस फिल्म में, ठीक है ना? लेकिन इस चुनाव में गोरखपुर में नायक के रूप में रवि किशन होंगे कमल चुनाव चिन्ह लेकर के। आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? सहजनवा आशीर्वाद देगा? देखो कमल चुनाव चिन्ह पे जो वोट आप देते हैं, प्रदेश के लिए देते हैं तो मेरे पास और केंद्र के लिए देते हैं तो मोदी जी के पास फुसी दे जाता है। आप सब आशीर्वाद देंगे, जिताएंगे, भारी वोट से जिताएंगे। अच्छा मुझे बताओ, 2 दिन बाकी रह गए हैं, कल शाम को प्रचार बंद हो जाएगा, परसों घर घर आप जा सकते हैं, ये 2 दिन देश के लिए कितने लोग देंगे, कितने लोग देने को तैयार हैं? हाँ, दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, देंगे 2 दिन देश के लिए? ये 2 दिन आपको काम करना है। 2 बात बताऊंगा मैं, एक, इन 2 दिनों में 25-25 घरों में आपको जनसंपर्क के लिए जाना है और जितने भी मतदाता होंगे उनको कमल खिलाने के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करनी है, करेंगे। और दूसरा, पहली जून को
उन सभी मतदाताओं को मतदान कराना है। कराएंगे? कराएंगे? 10 बजे के पहले पूरा वोट हो जाना है, कराएंगे ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।